हेलो दोस्तों, क्या आपने रेंगना, उड़ना और चलने का तीनों का अनुभव किया है? तो नहीं, लेकिन कीट हैं जो कि रेंगते भी हैं, चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। चलिए इनके जीवन चक्र के बारे में समझते हैं। तो पहले जो एडल्ट कीट होते हैं, सबसे पहले मैथुन क्रिया के द्वारा, कपलिंग द्वारा निषेचन क्रिया करते हैं। निषेचन क्रिया के बाद जो एग रिलीज होते हैं, उन एगों को यानी अंडों को यह पुष्प कलिका के अंदर सुरक्षित रखते हैं और धीरे धीरे उन एग अंडों से, जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद जो है उन अंडों से सूक्ष्म से लार्वा निकलते हैं और लार्वा धीरे धीरे उसी पुष्प में अंदर से छिप जाते हैं और वहीं से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करते करते धीरे धीरे उस लार्वे के अंदर वो कलर भी आ जाता है जो पुष्प के अंदर कलर होता है, या जैसे हरी चीज़ को खाते हैं तो हरे बन जाते हैं और लाल पुष्प को खाते हैं तो लाल कलर इनके अंदर आ जाता है। जैसे इसमें गुलाबी कलर आ गया है। ये लार्वा जो है भोजन करके काफ़ी मैच्योर हो चुका है। अब ये दूसरे पड़ाव पर है जीवन के। एग से लार्वा बन चुका है यानी रेंगने वाला बन गया है। अब धीरे धीरे यह प्यूपा में बदलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चुनौतियां हैं जिसे इसे पार करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये लार्वा जो है अब जीवन की दूसरी छलांग लगाएगा और ये ज़मीन पर जस्ट से गिरता है और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर रहने वाले कुछ जीवों ने महसूस हो जाता है कि कुछ गिरा है। वह पता चलता है चींटियों को। चींटियाँ जो है, जो इसे पता करती हैं, वो सोचती हैं ये हमारा प्यूपा था, ठीक है, या हमारा लार्वा था। तो वो इस लार्वे को ले जाकर अपने बिल के अंदर ले जाती हैं और जहाँ पर वह हैं उसी जगह उसे रख देती हैं। लेकिन ये लार्वा उनका नहीं है, ये बैरुपिया है। और धीरे से ही, और जैसे ही ये लार्वा एडल्ट हो, जैसे ही और भोजन करता है, उनके लार्वे को खा लेता है, चींटियों के लार्वे को खा लेता है और यह प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से फिर से या बटरफ्लाई यानी तितलियां बन जाएगा और उड़ने का अनुभव महसूस करेगा। इस हिसाब से जीवन चक्र चलता रहता है। धन्यवाद।